बातचीत से जो मान जाए वो चीन तो नहीं हो सकता। एक तरफ चीन बातचीत का दिखावा करता है तो दूसरी ओर भारत के खिलाफ एक और साजिश कर रहा है। इस बार साजिश और भी ज्यादा खौफनाक है। चीन ने एक नई चाल चली है, उसका खुलासा भी हुआ है। डेप्सांग में चीनी सैनिकों का जमावड़ा लगने लगा है। पूरा काला चिट्ठा क्या कुछ है हम आपको बताएंगे। चीन की हर साजिश को बेनकाब करते हैं। चीन को ये तो समझ में आ गया था कि भारतीय सैनिकों से गलवान में मुकाबला नहीं किया जा सकता, लिहाजा चीन ने एक दिखावा किया कि हाँ हम बातचीत करते हैं और हम पीछे हटते हैं। लेकिन क्या वाकई में चीन ने ऐसा कुछ किया? एक तरफ गलवान में कुछ और दिखाने की कोशिश चीन की ओर से की गई तो डेप्सांग में चीन ने एक दूसरी साजिश की और उसका पुख्ता सबूत भी है। क्या कुछ है सबूत, आप सबसे पहले ये देखिए। ये कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो सामने आई है, इसमें चीन की हर साजिश साफ साफ दिख रही है। तस्वीर नंबर एक, तस्वीर नंबर दो, तस्वीर नंबर तीन, तस्वीर नंबर चार, तस्वीर नंबर पांच, कुल ऐसे 15 तस्वीरें हैं जिसमें चीन की हर एक साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। डेप्सांग में चीनी सैनिकों का जमावड़ा धीरे धीरे लगना शुरू हो चुका है और दो पोस्ट पर चीन की सेना पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। इनमें से एक पोस्ट है तियान वेंडियन पोस्ट। इस पोस्ट पर चीन की सेना डेरा जमा रखी है। इस तस्वीर को देखिए, साफ साफ इमारत खड़ी दिख रही है। ये दो मंजिला इमारत है जिसमें चीनी सेना का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, सोलर पैनल है, पानी की पाइपलाइन है और तस्वीरों में ठोस निर्माण भी दिख रहा है जो कि संभवतः हेलीपैड है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन गलवान में मुंह के खाने के बाद अब डेप्सांग में क्यों साजिश रच रहा है? क्या डेप्सांग चीन के लिए बहुत अहम है? आखिर चीन को डेप्सांग से क्या कुछ फायदा होगा? डेप्सांग से चीन सीधे दौलत बेग ओल्डी पर नजर रख सकता है। डेप्सांग के जरिए चीन सियाचिन ग्लेशियर पर निगाहें आसानी से रख सकता है। आखिर चीन दौलत बेग ओल्डी को लेकर इतना घबराया हुआ क्यों है? क्यों चीन के पसीने निकल रहे हैं? यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि दौलत बेग ओल्डी की अहमियत आखिर है क्या। दौलत बेग ओल्डी में दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। यह हवाई पट्टी समुद्र तल से करीब 16,614 फुट की ऊंचाई पर है और 1962 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने इस इलाके में अपनी चौकी स्थापित की थी। साथ ही भारत ने यहां हवाई पट्टी भी विकसित किया और जहाज भी उतारे। 1968 में आए भूकंप के बाद हवाई पट्टी और सैन्य चौकी को बंद कर दिया गया, लेकिन 2008 में दौलत बेग ओल्डी को दोबारा सक्रिय किया गया। 2013 में भारतीय वायुसेना ने अपना हरकुलिस जहाज यहीं पर उतारा था। यह दौलत बेग ओल्डी इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन की हर गतिविधि पर भारतीय सेना इस जगह से निगाहें रख सकती है और अगर चीन ने कुछ हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और साफ ये भी है कि अगर दौलत बेग ओल्डी से चीनी सैनिकों पर निशाना बनाया जाता है तो चीन को बहुत बड़ी बर्बादी हाथ लगेगी और कुछ नहीं लगेगा, और शायद चीन इसीलिए तिलमिलाया भी है। दौलत बेग ओल्डी इसलिए भी खास है क्योंकि भारत यहां से कुछ इलाकों पर बहुत पैनी नजर रख सकता है। वो इलाके कौन कौन से हैं ये हम आपको बताते हैं। कारकोरम, अक्साई चेन, जियांग, गिलगित और पीओके, यहां तक चीन के मंसूबे को रोकने और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन के दुस्साहस को रोकने में ये इलाका बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। अगर हम दौलत बेग ओल्डी की बात करें तो लेह से दौलत बेग ओल्डी तक सेना को पहुंचने में काफी ज्यादा कठिनाई होती है, वक्त काफी ज्यादा लगता है। इसीलिए भारत की ओर से एक सड़क जो है उसका निर्माण किया जा रहा है, जिसका जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तरह से बीआरओ ने उठाया है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और अगर ये सड़क का निर्माण हो जाता है तो भारतीय सेना उस पॉइंट तक यानी कि दौलत बेग ओल्डी तक मात्र 8 घंटे में पहुंच जाएगी और इसलिए चीन की परेशानी बढ़ जाएगी। चीन को यह भी बहुत अच्छे से पता है कि एक बार सड़क का निर्माण हो गया वहां पर भारत की सेना जो है वो प्रॉपर तरीके से स्थापित हो गई तो अक्साई चीन पर अगला दावा भारत ठोक सकता है और बेचैनी कहीं ना कहीं इसीलिए चीन की बढ़ी है। इसीलिए शायद अब जाकर चीन जो है गलवान घाटी पर एक तरह से बातचीत के जरिए पीछे हटने का दिखावा कर रहा है तो दूसरी ओर डेप्सांग में एक नई साजिश रच रहा है और उसे यह भी पता होना चाहिए कि भारत की जो सेना है वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है।